सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय मिल सके। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। नवरात्र के दिनों में साक्षात उसकी पूजा की जाती है। तो फिर क्या हुआ? अरे, आज वह अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान होती है, उसे ऐसे ही घर में रोशनी होती है। तो आइए, बेटियों के सम्मान में छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने कहीं मुन्ने को देखा है क्या? नहीं माँ, मैंने तो मुन्ने को नहीं देखा। मैं तो सुबह से ही घरों के काम में व्यस्त हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना। वाह रे छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। घर का काम कहाँ सीखेगी, तो तेरे बड़े होकर काम आएंगे। तू कर पढ़ लिख कर तो कोई कलेक्टर तो नहीं बन जाएगी ना? इसका भी दाखिला करा दो ना मैं स्कूल में। चल तू अपना काम कर। मीरा की मम्मी, ओ मीरा की मम्मी, आइए डॉक्टर दीदी। अरे यहाँ क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? अरे अरे, मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, मुझे स्कूल जाने नहीं देते। कहते हैं कि तू स्कूल जाकर कोई काम नहीं करेगी, बस तू घर संभालेगी। अम्मा जी प्रणाम। आपको नहीं लगता कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज पड़ गया है। हाँ डॉक्टर दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, लेकिन मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। चलो मैं चलती हूँ। अरे अरे, जिस बात के लिए आई थी तो उस बात को भूल गए। मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाया कर, जगह जगह में कैंप लग गया है। अच्छा वो डॉक्टर दीदी, आपने बता दिया। हम मुन्ने को पोलियो ड्रॉप पिला देंगे और मीरा को स्कूल भी पहुँचा देंगे। अच्छा, मैं शिक्षक दीदी से बात करूँगी। मीरा रोने नहीं, स्कूल जाके मेरी तरह डॉक्टर बनोगी। चल बेटी मैं चलती बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाए बाबूजी। ले लीजिए बाबूजी। अखबार में तो बेटी के बारे में बहुत सुंदर कविता लिखी है, चलो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों कहती है निष्ठुर संसार। गर्भ से लेकर यवन तक लटक रही है मुझ पर तलवार। क्या बेटी के बिन बसा सकोगे घर परिवार? जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब दादी नानी ना होगी तो कौन तुम्हें कहानी सुनाएगा? जब स्वप्न सुंदरी ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे? जब बहन ही ना होगी तो किस पे लाड लुटाओगी? नारी के बिन जब सुना है ये बात, तुम कब समझ पाओगी? क्यों भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता? है ना मजेदार? काहे की मजेदार, मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी कविता। मीरा, ओ मीरा, आइए टीचर दीदी आइए, आप ही का इंतजार था, बैठिए। कहिए टीचर दीदी, कैसे आना हुआ? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। अरे डॉक्टर दीदी बता रही थी कि मीरा का अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार बच्ची है, अच्छे अंकों से पास होती है। पढ़ाओ पढ़ाओ अपने बेटी को, विदेश भी भेजो, मेरे को क्या करना है। अरे अम्मा जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं। मीरा को कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने दीजिए।
हाँ टीचर दीदी, मैं इसे अवश्य स्कूल भेजूंगी। मैं इसे मेरी तरह अनपढ़ रहने नहीं दूंगी। कल इसे तैयार रखना, मैं लेने आऊंगी। क्यों ना दादाजी, सही कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। प्रणाम दादाजी, चलती हूँ। Yeah.